सबको नमस्कार। देश और विदेश में इस इवेंट में हिस्सा ले रहे सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। इतने चैलेंजिंग टाइम में इस तरह के इवेंट का होना, आप सभी का उसमें शामिल होना अपने आप में एक बहुत बड़ी आशा जगाता है, विश्वास का बहुत बड़ा संदेश लेकर के आता है। भारत कोरोना से लड़ेगा भी और आगे जीतेगा भी, आगे बढ़ेगा भी। भारत इस बड़ी आपदा को आपदा समझ करके रोते बैठने के पक्ष का नहीं है। भारत आपदा कितनी ही बड़ी क्यों न हो, उसको अवसर में बदलने के लिए कृत संकल्प है और हम सब मिलकर के आपदा को अवसर में बदलेंगे। कोरोना के इस संकट ने भारत को आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट होने का सबक भी दिया है। आत्मनिर्भर भारत यानी भारत इंपोर्ट पर अपनी निर्भरता कम करेगा। आत्मनिर्भर भारत यानी भारत इंपोर्ट पर खर्च होने वाली लाखों करोड़ों रुपयों की विदेशी मुद्रा बचाएगा और देश के गरीबों के कल्याण के लिए काम में लाएगा। आत्मनिर्भर भारत यानी भारत को इंपोर्ट न करना पड़े, इसके लिए वो अपने ही देश में साधन और संसाधन विकसित करने की दिशा में लगातार प्रयास करेगा, आगे बढ़ेगा। आत्मनिर्भर भारत यानी जिसे आज हम इंपोर्ट करते हैं, कल को, और ये बात मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ आप सबके पर भरोसा होने के लिए कह रहा हूं, ये आप पर मेरा जो भरोसा है उसके लिए मैं कह रहा हूं कि आज हम जो इंपोर्ट करते हैं, कल को उसी के सबसे बड़े एक्सपोर्टर बनेंगे। साथियों, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि हम एक एक सेक्टर को पकड़कर, एक एक प्रोडक्ट को पकड़कर, एक एक सर्विस का ध्यान करते हुए होलिस्टिक तरीके से काम करें, एक एक क्षेत्र को चुन करके उस क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाए। आज का ये इवेंट इसी सोच को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है, एक मजबूत कदम है। आज एनर्जी सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है। ये कार्यक्रम सिर्फ कोल माइनिंग से जुड़े एक सेक्टर से जुड़े रिफॉर्म्स को जमीन पर उतारने का ही है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये 130 करोड़ एस्पिरेशंस को रियलाइज करने का
कमिटमेंट है, ये हमारे युवा साथियों के लिए रोजगार के लाखों अवसर तैयार करने की शुरुआत है। साथियों, सेल्फ रिलायंस के संकल्प को सिद्ध करने के लिए जब पिछले महीने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा हुई थी तो कई लोगों को लगता था कि एक प्रकार से एक सामान्य सरकारी प्रक्रिया है, लेकिन महीने भर के भीतर ही हर घोषणा, हर रिफॉर्म्स, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, चाहे एमएसएमईज के सेक्टर में हो, या फिर अब कोल और माइनिंग के सेक्टर में हो, हर क्षेत्र में एक साथ अनेक प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं, निर्णय किए जा रहे हैं और निर्णयों को तेजी से जमीन पर उतारने के लिए हर कोई कोशिश कर रहा है। ये दिखाता है कि भारत इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदलने के लिए कितना गंभीर है, कितना कमिटेड है। आज हम सिर्फ कॉमर्शियल कोल माइनिंग के लिए ऑक्शन ही लॉन्च नहीं कर रहे हैं, बल्कि कोल सेक्टर को दशकों के लॉकडाउन से भी बाहर निकाल रहे हैं। कोल सेक्टर के लॉकडाउन का क्या प्रभाव रहा है, ये मुझसे भी ज्यादा आप सब लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। सोचिए, जो देश कोल रिजर्व के हिसाब से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश हो, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर हो, वो देश कोल का एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, बल्कि हमारा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोल इंपोर्टर है, कोल आयात करता है। बड़ा सवाल ये है कि जब हम दुनिया के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, एक प्रकार से लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के जो मेन ग्रुप है, हम उसमें से एक हैं, अगर ये सच्चाई है तो हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर क्यों नहीं हो सकते? और ये हम सबको अपने आप को पूछना है। और यही सवाल मेरे, आप सभी को और करोड़ों भारतीयों के मन में भी हमेशा उठता रहा है। साथियों, हमारे यहां दशकों से यही स्थिति चल रही थी। देश के कोल सेक्टर को कैप्टिव और नॉन कैप्टिव के जाल में उलझाकर रखा गया था। इसको कंपटीशन से बाहर रखा गया था। ट्रांसपेरेंसी की एक बहुत बड़ी समस्या बार बार सामने आई है। ईमानदारी से ऑक्शन को छोड़िए, कोयला खदानों के अलॉटमेंट में बड़े बड़े घोटालों की चर्चा हर किसी ने सुनी है, हर समय हुई है, हर कोने में हुई है। इस वजह से देश के कोल सेक्टर में
इन्वेस्टमेंट भी कम होता था और उसकी एफिशिएंसी भी हमेशा सवालों के घेरे में रहती थी। कोयला निकलता किसी राज्य में था, जाता सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी अन्य राज्य के पावर प्लांट के लिए होता था, जबकि वे राज्य के पावर प्लांट्स कोयले का इंतजार करे रह जाते थे। यानी काफी कुछ मिसमैनेज था, अस्त व्यस्त था। साथियों, साल 2014 के बाद स्थिति को बदलने के लिए एक के बाद एक कई कदम उठाए गए। जिस कोल लिंकेज की बात कोई सोच नहीं सकता था वो हमने करके दिखाया। ऐसे कदमों के कारण कोल सेक्टर को मजबूती भी मिली। आज बड़े बड़े रिफॉर्म्स को एब्सॉर्ब करने की ताकत उसके अंदर आ रही है। अभी हाल में हमने वो रिफॉर्म्स किए जिसकी चर्चा दशकों से चल रही थी, आप लोग भी कर रहे थे, जो अपने आप को एक्सपर्ट कमेंटेटर मानते हैं वे भी कर रहे थे। अब भारत ने कोल और माइनिंग के सेक्टर में कंपटीशन के लिए, कैपिटल के लिए, पार्टिसिपेशन और टेक्नोलॉजी के लिए पूरी तरह से खोलने का बहुत बड़ा फैसला लिया है। इसका भी ध्यान रखा गया है कि जो नए प्लेयर्स, प्राइवेट प्लेयर्स माइनिंग के क्षेत्र में आए, उन्हें फाइनेंस के कारण कोई दिक्कत ना हो, उसका भी ध्यान रखा गया है, ताकि नए लोगों को प्रोत्साहन मिले। साथियों, एक मजबूत माइनिंग और मिनरल सेक्टर के बिना सेल्फ रिलायंस संभव नहीं है, क्योंकि मिनरल्स और माइनिंग हमारी इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। अब रिफॉर्म्स के बाद अब कोल प्रोडक्शन, पूरा कोल सेक्टर भी एक प्रकार से आत्मनिर्भर हो पाएगा। अब कोयले के लिए बाजार खुल गया है। जिस सेक्टर को जब जितनी जरूरत होगी वो खरीदेगा। साथियों, जो रिफॉर्म्स के लिए और जो रिफॉर्म्स हमने किए गए हैं उसका लाभ सिर्फ कोल सेक्टर को ही नहीं, दूसरे अन्य सेक्टरों पर भी पड़ेगा। जब हम कोल प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो पावर जनरेशन बढ़ने के साथ ही स्टील, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर, सीमेंट जैसे तमाम दूसरे सेक्टर्स में प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग पर भी सकारात्मक पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। सौभाग्य से हमारे यहां कोल, आयरन, बॉक्साइट ऐसे कई मिनरल्स के रिजर्व्स एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं, बहुत आसपास ही होते हैं। एक प्रकार से परमात्मा ने जैसे क्लस्टर बना करके रखा हुआ है हमारे लिए। ऐसे में हाल में ही मिनरल्स को लेकर जो रिफॉर्म्स किए गए थे वो
कोल माइनिंग रिफॉर्म्स के साथ जुड़ जाने से ये बाकी सेक्टर भी बहुत मजबूत हो गए हैं। साथियों, कॉमर्शियल कोल माइनिंग के लिए आज जो ऑक्शन की शुरुआत हो रही है वो हर स्टेक होल्डर्स के लिए विन विन सिचुएशन है। इंडस्ट्रीज को, आपको अपने बिजनेस, अपने इन्वेस्टमेंट के लिए हम नए रिसोर्सेज मिलेंगे, नया मार्केट मिलेगा। इसके साथ ही राज्य सरकारों को बेहतर रेवेन्यू मिलेगा। देश की एक बड़ी आबादी को रोजगार मिलेगा। एक प्रकार से गरीबों की सेवा का काम कोयले से भी हो सकता है, इसका विश्वास पैदा होगा। यानी हर सेक्टर पर एक पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। और मैं जो फील कर रहा हूं, इसके कारण हमारे देश के गरीब इलाकों के और गरीब लोगों के सबसे ज्यादा आशीर्वाद हम सबको मिलने वाले हैं। साथियों, कोल रिफॉर्म्स करते समय इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि एनवायरनमेंट की रक्षा का भारत का कमिटमेंट कहीं से भी कमजोर न पड़े। कोल से गैस बनाने के लिए अब बेहतर और आधुनिक टेक्नोलॉजी का हम प्रयोग करना चाहेंगे और टेक्नोलॉजी आ पाएगी। कोल गैसिफिकेशन जैसे कदमों से एनवायरनमेंट की भी रक्षा होगी। कोयले से बनने वाली गैस का उपयोग ट्रांसपोर्ट और कुकिंग के लिए हो पाएगा। यूरिया और स्टील मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े उद्योगों को प्रमोट करेगा। हमने लक्ष्य रखा है कि साल 2030 तक, 2030 तक यानी कि इस दशक में करीब 100 मिलियन टन कोल को गैसिफाई किया जाए। मुझे बताया गया है कि इसके लिए 4 प्रोजेक्ट्स की पहचान हो चुकी है और इन पर करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे। साथियों, कोल सेक्टर से जुड़े ये रिफॉर्म्स ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया को, विशेषकर हमारी ट्राइबल बेल्ट को डेवलपमेंट का पिलर बनाने का भी एक बहुत बड़ा जरिया है। हमारे यहां जहां कोयला है, जहां मिनरल्स है, देश का वो हिस्सा प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के मामले में उस स्तर पर नहीं पहुंच पाया है। देश का ये वो हिस्सा रहा है जहां बड़ी संख्या में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी हैं, वो जिले जहां के लोग विकास के लिए एस्पायर कर रहे हैं, लालायित है, कर गुजरने का इरादा रखते हैं, सामर्थ्य है, शक्ति है, समझ है, सब कुछ है, लेकिन यही जिले विकास की दौड़ में बहुत पीछे रह गए हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, देश में 16 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां कोयले के बड़े बड़े भंडार हैं, लेकिन इनका लाभ
वहां के लोगों को उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, वहां के गरीबों का जितना भला होना चाहिए था वो नहीं हुआ। यहां से बड़ी संख्या में हमारे साथी दूर दूर अपने बूढ़े मां बाप को छोड़कर के, अपने खेत खलिहान को छोड़कर के, अपने यार दोस्तों को छोड़कर के बड़े शहरों में रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए माइग्रेशन करते हैं। ऐसी अनेक समस्याओं को कम करने और पूर्वी भारत और मध्य भारत की एक बड़ी आबादी को उसके घर के पास ही बेहतर रोजगार के अवसर देने में कॉमर्शियल माइनिंग तरफ हम जो कदम उठा रहे हैं वे एक इच्छित परिणाम लाएंगे। और जब मैं इच्छित परिणाम की बात करता हूं, मुझे इन क्षेत्रों का विकास करना है, हमें वहां के गरीबों का भला करना है, हमें पहले उस इलाके को आत्मनिर्भर बनाना है, बना के हर परिवार को आत्मनिर्भर बनाना है, हर गरीब की जिंदगी में बदलाव लाना है। आज जिन कोल ब्लॉक्स का ऑक्शन हो रहा है, इनसे ही इस क्षेत्र में लाखों जॉब पैदा होने का अनुमान है। इतना ही नहीं, कोयला निकालने से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक को बेहतर बनाने के लिए जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, उससे भी रोजगार के अवसर बनेंगे, वहां रहने वालों को अधिक सुविधाएं मिलेगी। अभी हाल ही में सरकार ने इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय किया है। साथियों, कोल सेक्टर में हो रहे रिफॉर्म, इस सेक्टर में हो रहा निवेश लोगों के जीवन को, विशेषकर हमारे गरीब और आदिवासी भाई बहनों के जीवन को आसान बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। कोल प्रोडक्शन में अनकोल प्रोडक्शन से राज्यों को एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलेगा, उसका इस्तेमाल वहां की जन कल्याण योजनाओं में होगा, उस राज्य के विकास में होगा। इसके साथ ही राज्यों को डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, उससे भी बहुत मदद मिलने वाली है और ये मदद जारी रहेगी। इस फंड का बड़ा हिस्सा कोल माइनिंग के आसपास के इलाकों में जरूरी सुविधाओं के विकास में लगाया जा रहा है। वहां के लोगों की जिंदगी, ईज ऑफ लिविंग, उनको जीने के लिए जूझना न पड़े, उन्हें सरकारों के साथ जद्दोजहद न करना पड़े, वो आत्मसम्मान से जिए, वो आत्मनिर्भर होकर के जिए। यानी जहां संपदा है वहां रहने वालों में संपन्नता भी हो, इस लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आज उठाए जा रहे ये कदम इस लक्ष्य को हासिल करने में बहुत मददगार सिद्ध होंगे। साथियों, ये ऑक्शन ऐसे समय में हो रहा है जब भारत में बिजनेस एक्टिविटी तेजी से नॉर्मल हो रही है, कंजम्पशन और डिमांड बड़ी तेजी से प्री कोविड लेवल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में इस नई शुरुआत के लिए इससे बेहतर समय हो ही नहीं सकता। पावर जनरेशन हो,
कंजम्पशन हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की डिमांड हो, इनमें मई के आखिरी और जून के पहले हफ्ते में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह अप्रैल की तुलना में ई वे बिल्स, उसमें करीब 200% का बड़ा उछाल देखने को मिला है, 200%। जून में टोल कलेक्शन भी फरवरी के कलेक्शन का 70% तक पहुंच चुका है। मई के महीने में रेलवे फ्रेट टैरिफ, उसमें भी अप्रैल की तुलना में 26% की इंप्रूवमेंट दर्ज की गई है। अगर टोटल डिजिटल रिटेल ट्रांजैक्शंस उसकी बात करें तो उसके वॉल्यूम और वैल्यू दोनों में वृद्धि होनी शुरू हुई है। साथियों, रूरल इकोनॉमी भी अपनी स्पीड पकड़ना शुरू कर रही है। इस बार खरीफ क्रॉप का एरिया पिछले साल के मुकाबले 13% से ज्यादा है। इस वर्ष गेहूं का प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट दोनों बड़ा है। पिछले साल के मुकाबले अभी तक गेहूं का 11% से ज्यादा प्रोक्योरमेंट किया जा चुका है। मतलब ये कि किसानों की जेब में भी इस बार ज्यादा पैसा पहुंचा है। ये जितने भी इंडिकेटर्स हैं, मैंने बहुत ज्यादा समय लिया नहीं, कुछ कम गिनाए हैं, ये जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो दिखा रहे हैं। बाहर निकला है, इससे भी निकलेगा। हम भारतवासी अगर करोड़ों कंज्यूमर हैं तो ये न भूलें कि हम भारतवासी करोड़ों प्रोड्यूसर भी हैं। भारत की सक्सेस, भारत की ग्रोथ निश्चित है। हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। आप याद करिए, सिर्फ कुछ सप्ताह पहले तक हम N95 मास्क, कोरोना की टेस्टिंग किट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE, वेंटिलेटर, अपनी जरूरत का ज्यादातर हिस्सा हम बाहर से मंगाते थे। अब भारत अपनी डिमांड को मेक इन इंडिया से पूरी कर रहा है। इतना ही नहीं, बहुत जल्द हम महत्वपूर्ण मेडिकल प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्टर भी बनेंगे। आप अपना विश्वास, अपना हौसला बुलंद रखिए। हम सब मिलकर के ये सपने साकार कर सकते हैं। हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं और ये हम सबका संकल्प है, 130 करोड़ देशवासियों का संकल्प है। हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है और हम आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं। सेल्फ रिलायंट इंडिया की जो जर्नी 130 करोड़ भारतीयों ने शुरू की है, आप भी
उसके भागीदार हैं, आप नेतृत्व करने के लिए आगे आइए। जीवन में ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब कुछ कर करके इतिहास को मोड़ देने की मौका आ जाता है। आज भारत के उद्योग जगत को, आज भारत के व्यापारी जगत को, आज भारत के सर्विस सेक्टर को लीड करने वाले लोगों के लिए इतिहास को बदलने का मौका आया है, इतिहास की दिशा बदलने का मौका आया है, भारत के भाग्य को बदलने का मौका आया है। हमें इस मौके को जाने नहीं देना है, हमें इस अवसर को छोड़ना नहीं है। आइए भारत को आगे बढ़ाएं, भारत को आत्मनिर्भर बनाएं। साथियों, आज मुझे आपके बीच आने का मौका मिला, मामला तो कोयले का है, हीरे के सपने देख करके चलना है। एक बार फिर आप सभी को इस अहम शुरुआत के लिए, कोल सेक्टर के इस अहम पड़ाव के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं विशेष रूप से मंत्रिपरिषद के मेरे साथी प्रहलाद जोशी जी को और उनकी टीम को बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्यों उन्होंने इस लॉकडाउन पीरियड का इतना उपयोग किया, पूरे डिपार्टमेंट के हर बारीकियों का अध्ययन किया, देश के लिए नया क्या कर सकते हैं, नए तरीके से क्या कर सकते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी लीडरशिप दी है। मैं प्रहलाद जी को, उनके सचिव और उनकी टीम को आज बहुत बधाई देना चाहता हूं। आपको लगता होगा कि आप एक छोटा सा कार्यक्रम कर रहे हैं, प्रहलाद जी मुझे नहीं लग रहा है, मैं तो देख रहा हूं कि आप आत्मनिर्भर भारत के लिए एक मजबूत नींव आज डाल रहे हो, और इसलिए और आपकी टीम बहुत बधाई के पात्र है। उद्योग जगत के जो साथी आज यहां मौजूद है, उनको मैं फिर से एक बार विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं आपके साथ, देश हित के हर काम में आप दो कदम चलिए, मैं चार कदम चलने के लिए आपके साथ। आइए हम मिलकर के इस अवसर को जाने न दें। फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।